हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम M2 का जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को हम देखेंगे। इसको छोटा सा थ्योरम है, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली होता क्या है? ये मीन यानी कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एवरेज को बोलते हैं। तो मैथ्स के अंदर ज्योमेट्रिक मीन एक तरह का मीन होता है, एक एवरेज होता है जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू की बताता है अपने को, और किस तरह से बताता है उसकी वैल्यू को प्रोडक्ट करके बताता है। तो छोटा सा थ्योरम में हम इसको समझेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। तो दोस्तों ये हाइपोटेनियस है, ओके और एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर इस तरह से PQR, और अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पर हाइपोटेनियस के ऊपर हमने एक आल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जिससे वो हाइपोटेनियस दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी है दोस्तों इसको समझना। ट्राइंगल PQR में सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस PR। देखो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने को समझने के लिए कि हम कौन से थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे पहचानेंगे, ये हिंट से हम पहचानेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल QSR और ट्राइंगल PSQ दिया हुआ है अपने पास में इस तरह से, ओके और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं दोस्तों तो यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर हो जाते हैं। तो QS अपॉन PS लिए और SR अपॉन SQ लिए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह से हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके SQ का हम QS कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से QS इंटू QS QS स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर इसका स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जो हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई वो प्रोडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देयरफॉर सेगमेंट QS इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड SR। तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये CSST लिख देते हैं हम इसको, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो बस छोटा सा थियरम ही है, एग्जाम्स में इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। इस तरह से मैंने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा हूँ तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमें अच्छे से समझ में भी आएगा, ओके। चलिए इन फिगर 2.17 टेक्स्ट बुक में एंगल MNP, एंगल MNP 90 डिग्री है। सेगमेंट नाउ देखो, सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, ओके। सेगमेंट MQ इज इक्वल टू 9, QP इज इक्वल टू 4। अपने को देखो NQ फाइंड करना है, देख रहे हैं यहाँ पर। देखो ये अपने को हिंट मिल गई है, इसका मतलब अपने को ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम गिवन में लिखते हैं इसको सिस्टमैटिक एकदम। सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे इसको, ओके। सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो जो एंगल दिया हुआ है इसको हम ट्राइंगल एज्यूम कर लेंगे। सो इन ट्राइंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे हम लोग यहां पर। 90 डिग्री का ट्राइंगल है ये, और ये भी लिख देंगे एंड सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, यानी कि वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा थ्योरम रखना है अपने को? देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इस तरह से आप लिख लेंगे यहाँ पर, पहले लिख लेंगे, ओके। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बोल रहा है? अपोजिट वर्टेक्स से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो उसका स्क्वायर लेना आपको। तो NQ का स्क्वायर लेंगे हम, इज इक्वल टू, और ज्योमेट्रिक मीन है तो जब दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ तो इसका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। MQ इंटू QP लिख लेंगे आप। सो MQ इंटू QP, देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। चले हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो NQ अपने को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, MQ की वैल्यू 9 है और QP की वैल्यू 4 है यहाँ पर। सो देयरफॉर NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36, स्क्वायर को हम मार देंगे तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट आउट तो ये 36 अंडर रूट में हो जाएगा, ओके। हम यहाँ पर हिंट लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, बहुत सिंपल है ये, आराम आराम से करेंगे हम, इजीली आपको अच्छे से समझ में भी आएगा ये। चलिए 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो हम आंसर के आगे सिस्टमेटिकली यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, आंसर में भी लिख लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से इसको। सो NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल ही है, इस तरह से आप इसको करेंगे तो 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम मैसेज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इन द फिगर 2.18 एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट PM और सेगमेंट QR
परपेंडिकुलर है वो, एंड क्यू एम आर एक बिटवीनेस का फॉर्मूला बना रही है, पी एम इक्वल टू 10, क्यू एम इक्वल टू 8, और आपको फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पर अपने को फाइंड करना है क्यू आर, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना होगा, अपने को सबसे पहले एम आर की वैल्यू निकालनी होगी, ओके, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में हमें एम आर भी मिलेगा फॉर्मूले के अंदर, तो एम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू एम आर, देखो ये भी हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्यू एम आर बिटवीनस के कोलिनियर ही है, बिटवीनस के फॉर्मूले से हम इसको रखेंगे तो ईजिली अपना क्यू आर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इसको भी, सबसे पहले हम इसको गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इन ट्राइंगल, देखो ये एंगल क्यू पी आर को मैं ट्राइंगल एज्यूम कर लेता हूँ, सो इन ट्राइंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है ये, ओके, इस तरह से लिख देंगे, एंड देखो पिछले क्वेश्चन में जैसा किए थे हमने, एंड सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर है सेगमेंट क्यू आर से, तो वो हिंट मिल गए हमें, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिख देंगे हम इस तरह से, बहुत ईजी है दोस्तों ये भी, ओके। चलिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपना, देखिए पीएम क्या है यहाँ पर हमारे पास में, अपोजिट वर्टेक्स से, देखो यहाँ पर 90 डिग्री की साइन है, तो आप हाइपोटेनियस कैसे पहचानेंगे, क्यू आर आपका हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 डिग्री की साइन यहाँ पर है, ठीक है ना, तो क्यू आर अपना हाइपोटेनियस है, इस तरह से तो हम क्या करेंगे, पी एम जो अल्टीट्यूड है उसको हम स्क्वायर में लेंगे, तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है ना। चलो पी एम की वैल्यू क्या अपने पास में 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम की वैल्यू 8 है अपने पास में, और इंटू एम आर लिख देंगे हम लोग, ओके, 10 का स्क्वायर इज हाउ मच 100, 8 इंटू एम आर, ओके, दो वैल्यू बच गए, तो आप एम आर को बाहर निकालेंगे, तो 8 के आगे मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपॉन में हो जाएंगे, यानी कि फ्रैक्शन में ले लेंगे इनको, सो देयरफॉर मैं लिखूंगा एम आर इज इक्वल टू 100 लिखेंगे ऊपर, एम आर के साथ जो वैल्यू है वो हमेशा नीचे चली जाएंगी, यानी कि डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल ही है, जब मैं एम आर की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, हम इधर से इसको रफ वर्क कर सकते हैं, 8 1 8 हो जा रहा है ये, ओके, फिर बाद में 8 2 16 हो जा रहा है, 20 में से हमने 16 ले लिए, 4 बचा, हमने 0 डाल दिया, डेसिमल आ जाएगा ऊपर, ओके, और ये हो जाएगा 4 5 20, देखिए कितना सिंपल है। तो अपना एम आर कितना आ गया, 12.5 आ गया, ठीक है ना, 12.5 और 8.8 कितना हो रहा है ये 20, तो क्यू आर की वैल्यू भी अपने पास आ जाएंगी 20.5 यूनिट्स, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर, पहली और लास्ट वैल्यू लिखेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर लिखेंगे, कहाँ से आया ये, इस तरह से हम लिख देंगे क्यू एम आर कोलिनियर पॉइंट से आया ये, ठीक है। चलिए क्यू आर, सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम की वैल्यू 8 है अपने पास ऑलरेडी, और एम आर हमें मिला 12.5, सो देयरफॉर जब हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 8 प्लस 12 कितना हो रहा है 20, और 0.5 आप आगे लिख दीजिए और आंसर के आगे यूनिट्स लिख दीजिए। कितना सिंपल है दोस्तों ये, ओके, रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर करना है तो हम करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। मैं 100 डिवाइडेड बाई 8 करूँगा, तो 8 1 8, 10 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2 बचा, ओके, 8 के टेबल में 2 नहीं आ रहा, हमने 0 को नीचे उतारे, 20 हो गए, ओके, तो फिर 8 2 16 ले लेंगे, व्हाट इज द बैलेंस, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आया, आप 0 लगाएंगे तो ऊपर डेसिमल देना होगा, 8 5 40, तो इस तरह से दोस्तों देखो ये रफ वर्क भी अपना इजीली हो जाता है, ओके, देखिए कितना सिंपल है ये, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है दोस्तों, ये भी क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सी इन द फिगर 2.19 टेक्स्ट बुक में फाइंड आर पी, तो ये आर पी है, फाइंड आर पी फाइंड करना है हमें, उसी के साथ साथ हमें पी एस भी फाइंड करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्राइंगल पी एस आर। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये, हमने ऑलरेडी ना साइड अपोजिट टू 30 डिग्री और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यानी कि 30 60 और 90 डिग्री का हमने प्रॉपर्टी देख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो बहुत ईजी है, साइड अपोजिट टू ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, जाहिर सी बात है दोस्तों ये एंगल एस यहाँ पे 90 डिग्री की साइन है, तो ये 90 डिग्री होगा, देखो ये 90 है, ये 30 है, तो रिमेनिंग एंगल अपना कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 प्लस 30 ये 90 डिग्री का अपना ट्राइंगल। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है अपने को, 30 60 और 90 डिग्री ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अपने को यूज़ करना है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम, इस तरह से मैं इसको लूँगा, इन ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर में
आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल एस 90 डिग्री है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हम यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे क्यों लिए हमने 90 डिग्री, क्योंकि वो राइट एंगल है, ठीक है ना। चलिए, अब एंगल एस ऑलरेडी एंगल 30 अपने पास दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन के अंदर है, फिगर के अंदर। एंगल पी हमारे पास 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर तीन डॉट डाल के लिख दूंगा रीजन में, ये गिवन में अपने पास में। ओके, हमने 90 में से 30 ले लिए, तो रिमेनिंग एंगल अपना 60 होगा, तो मैं यहाँ पर एंगल आर जो बचा हुआ एंगल है वो एंगल अपना 60 डिग्री होगा। ओके, तो हम यहाँ पर रीजन में भी लिख लेंगे, कोई रीजन छोड़ेंगे नहीं हम यहाँ पर, इसको लिख देंगे रिमेनिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है देखिए। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल था, देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर, ये कौन सा ट्रायंगल है, इज ए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है। तो हम इस तरह से सिस्टमेटिक इसको लिख लेंगे। चलिए, अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले अपने को निकालना है यहाँ पर आप 30 डिग्री, तो ये एस आर ऑलरेडी वैल्यू अपने पास में, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर आर पी निकाल लेते हैं। ओके, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, एस आर है, और इक्वल टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हाफ इंटू हाइपोटेनियस, तो 1/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनियस आर पी है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री की साइन है, तो ये साइड और ये साइड हाइपोटेनियस नहीं हो सकती है, ये साइड अपनी हाइपोटेनियस होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है अपने पास में, एस आर है, तो आप लिख देंगे इधर एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या अपने पास में आर पी है, देखो वो फाइंड भी करना है अपने को, तो एक अपनी वैल्यू आ जाएंगी। चलो एस आर कितना अपने पास में 6 है, तो 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर पी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, सो 6 into 2 इज इक्वल टू 1 इंटू आर पी इज आर पी, सो 6 तक क्या हो रहा है यहाँ पर 12 हो रहा है, तो 12 इज इक्वल टू आर पी, सो देयरफॉर आर पी लिखेंगे हम लोग, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी आर पी की 12, तो यहाँ पर आंसर में भी आप लिख दीजिए 12 यूनिट्स। देखिए कितना सिंपल है, चलो आर पी आ गया अपने को, अब अपने को पी एस भी फाइंड करना है, तो पी एस के लिए क्या करेंगे, देखो 60 डिग्री का ये अपोजिट साइड है, यानी कि क्या है ये पी एस है, तो हम क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, फिर से हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे यहाँ पर, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या एस पी है, तो क्वेश्चन में पी एस फाइंड करना है, तो आप पी एस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी एस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी क्या बोल रही है 60 डिग्री की, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपना सेम रहेगा आर पी। ओके, चलिए पी एस फाइंड करना है, तो पी एस की जगह पे पी एस लिखिए, √3/2 ऐसी रखेंगे वो प्रॉपर्टी के अंदर, और देखो आर पी हमें कितना मिला, 12 मिला यहाँ पर, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 12। चलो टेबल में कट कर सकते हैं इनको, 2 6 12 हो जाएगा ये, सो देयरफॉर पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने को, √3 × 6। ओके, सो देयरफॉर पी एस का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आप 6 को पहले लिखो और √3 को आप आगे कर दीजिए और इसके भी आगे लिख दीजिए यूनिट्स करके। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे बोर्ड की तरफ से। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक एक्टिविटी है दोस्तों, और बहुत सिंपल है ये एक्टिविटी, चलिए हम मिल के करते हैं इसको। ऑलरेडी एक दो बार ये एग्जाम्स में आ चुके हैं ये। फॉर फाइंडिंग ए बी, तो आपको ए बी और बी सी के लिए फाइंड करना है आपको। ओके, विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, चलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर देख दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ना स्टेप यहाँ पर मिसिंग है, तो हम इसको लिटरली नीचे सॉल्व करेंगे और जो जो वैल्यू अपने को मिली है वो बॉक्सेस में फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पास एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर क्या है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन में है, तो हम इसको लिख लेंगे गिवन में। ओके, अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, अब मुझे यहाँ पर ये दो साइन दिख रही है, ये इक्वल साइन दिख रही है मुझे, तो जाहिर सी बात है जब ये 90 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें आइसोसेलेस के जैसा दिख रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड या दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पर गिवन में हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। आप देख रहे हैं अब ये एंगल ए और ये एंगल सी हमें क्या दिख रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, आप ऐसा रिवर्स भी जा सकते हैं, बी सी ए
और आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल ए, देखो मिडल वाला एंगल लेना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको रीज़न लिखना होगा, ये रीज़न कैसे आया, आइसोसेलिस ट्राइंगल थियरम से। ओके, जब भी दो साइड्स दो एंगल हमें सेम मिलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो हमें आइसोसेलिस ट्राइंगल थियरम बोलते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर आइसोसेलिस ट्राइंगल थियरम। तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल थियरम से हमें दोनों एंगल मिल गए। अब ये इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमें देख रहे हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल को हम ले लेंगे, इस तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप लिख लो, तीनों एंगल को आप ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो 180 डिग्री मिलता है। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, आप ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल ए हमारे पास में वैल्यू नहीं है, देख रहे हैं एंगल ए और एंगल यहाँ पर सी, तो एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है हमारे पास में, एंगल बी चलो लिख लेते हैं मैसेज, प्लस एंगल सी। अब एंगल सी देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, आप कैसा भी ले सकते हैं, इसको भी आप एंगल सी कर सकते हैं, मैं एंगल सी को एंगल ए कर लेता हूँ यहाँ पर, आपको हिंट देना तो लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री लिख दो यहाँ पर, तो एंगल ए क्या हो रहा है यहाँ पर, टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल बी भी देखो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री की साइन है ये, 90 डिग्री हमारे पास में, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह से टू एंगल ए लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 90 को शिफ्ट करेंगे माइनस 90 डिग्री, सो देयरफॉर टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए को आप बाहर ले लेंगे और 90 डिग्री को 2 से हम डिवाइड कर लेंगे इधर, तो ये 45 में हमें मिल जाएगा आंसर। ओके, सो देयरफॉर एंगल ए हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सेकंड बॉक्स भी मिल गया, इतना स्टेप सॉल्व करने के बाद मिला, तो आपको भी एग्जाम्स में ऐसे ही करना है। ओके, अब हमें ट्राइंगल ए बी सी क्या मिल रहा है, ये 45 45 90 डिग्री वाला, तो देयरफॉर आप लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज ए 45 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल मिल रहा है हमें ये, तो सिंपली इसको लिख लेंगे हम लोग एकदम अच्छे से। ओके, चले क्या बोल रहा है ये, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हम इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, मैं साइड ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो 45 डिग्री क्या है, साइड अपोजिट 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर ए सी। ओके, सो इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रूट एट है, तो आप लिख लेंगे इसको रूट एट इस तरह से। ओके दोस्तों, सो 1/√2, अब देख रहे हैं यहाँ पर 8 हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 के टेबल में, तो हम 4 2 8 ले लेंगे, क्यों लिए हमने, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से रिमेनिंग साइड हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 1/√2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये √2 के अंदर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का नहीं है हमारे पास में, तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, ये √2 को कैंसिल कर लेंगे, सो 1 × 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 हो रहा है, तो इजीली अपना ये आंसर 2 यूनिट्स करके आ जाएगा, तो इस तरह से लिख लेंगे हम यहाँ पर 2 यूनिट्स। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी होती है और फिर बाद में फिलअप करना होता है वैल्यू को, चलें फिलअप करते हैं वैल्यू को। ए बी इज इक्वल टू बी सी हमें क्या मिल गया था गिवन में, ओके, एंगल बी ए सी कितना था यहाँ पर, 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 45 डिग्री। ओके, अब क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इज 1/√2, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 1/√2। ओके, आप यहाँ पर भी लिख लीजिए 1/√2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे 1/√2। देखिए ये स्टेप आ गया था, तो √2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 × 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, 2। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये करना है और इजीली हमें 3 मार्क्स एक्टिविटी के मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से इसको अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स अकेडमी, देखते रहिए, हम इस तरह से आपका सिलेबस आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फिर मिलते हैं हम लोग।